तो गाइज अभी 7 बज चुके हैं और बहुत लेट हो चुके हैं, तो फटफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो अब से आगे मिलते हैं फिर तब से। तो गाइज अभी देख सकते हो सुबह का 7 बज चुके हैं और मेरा प्लानिंग था 5 बजे निकलने का, पता नहीं क्यों लेकिन हर राइड पे मुझे इतना लेट हो जाता है ना, लिटरली एक आध घंटा तो मैं लेट हो जाता हूँ। तो चलो देखते हैं अभी 7 बजे निकला है तो कब पहुँचूँगा और क्या क्या प्लेस मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे, तो निकलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग, होप सब बढ़िया हो गए। और आज मैं बहुत दिनों बाद लिटरली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि लगभग कुछ 15-20 दिनों से बार बार खाली काम 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 और काम किसी और कुछ नहीं था, तो सोचा चलो आज एक मिनी राइड करके आ जाओ। मिनी राइड भी नहीं बोल सकते, 170 या 180 किलोमीटर का राइड है, तो चलो कंप्लीट करते हैं। और आज का जो राइड है मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि एक सोलो राइड रहेगा, तो वो पूरा कंप्लीट हो पाता है या नहीं या कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं या ये जो सोलो राइड है वो फर्स्ट टाइम कैसे रहेगा वो देखते हैं चलो। और बने रहिए लास्ट तक क्योंकि इसमें आपको भक्ति देखने मिलेगा और भक्ति के साथ मस्ती भी देखने मिलेगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे आगे, पैकिंग करते और निकलते आगे। और अभी जो मैं रोड पर हूँ वो कशेड़ी घाट है और ये कशेड़ी घाट मुझे ना 6 बजे के पहले एक्सपीरियंस करना था क्योंकि ये सनराइज़ की वजह से आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो लेट हो गया कोई बात नहीं क्योंकि रात को सोने में भी लेट हो गया था और सुबह उठने में लेट हुआ, तो मैंने एक ही बात सोचा पूरा नींद कंप्लीट करके निकलते क्योंकि आधे दिन में बाइक चलाना रिस्की है। तो चलो निकलते आगे फटाफट, तैयार मतलब पैकिंग करते और निकलते फिर। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको गाइस कि मैंने ना एक अचानक ऐसे ही चलते चलते एक दिमाग में मेरा आइडिया आ गया, तो वो एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे ना उनको, उनके लिए है, तो एक सरप्राइज़ है उनके लिए। और वो सरप्राइज़ ना आपको वीडियो के आखिर में मालूम पड़ेगा, तो जो वीडियो आखिर तक देखेगा उसको ही वो सरप्राइज़ मिलेगा और उसमें से भी खाली एक ही लकी विनर रहेगा। तो चलो देखते हैं वो लकी विनर कौन रहता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए वीडियो और बाकी आपको तो पूरा ट्रिप एंजॉय करने मिलेगा ये वीडियो में। तो चलो देखते हैं वो लकी विनर कौन रहता है। ये ऐसे जब दोनों साथ में चलते हैं ना राइडिंग में बहुत तकलीफ हो जाता है यार, कोई तो आगे निकलो। गाइस मैंने अभी चेक किया और यहाँ से गणपतिपुले 91 किलोमीटर है, तो उतना तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो कहीं पर रुकते हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। और आप एक सामने का व्यू देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है, लिटरली ऐसा मन कर रहा है ना खाली देखते रहो, लेकिन आगे जाना है इसके लिए अभी स्किप कर रहा हूँ और आगे निकलते हैं और कहीं पर रुकते क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा है, अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग संगमेश्वर पहुंच चुके हैं और अभी तक मुझे खाने का कुछ आता पता नहीं है, देखते हैं आगे मिलता है या नहीं कुछ। और यहाँ से गणपति पुले और 50 किलोमीटर्स बता रहे हैं, तो निकलते हैं आगे। तो गाइस अभी नाश्ता हो चुका है और अभी निकल रहे आगे की तरफ क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा था। तो ये जो मैत्री पार्क है पीछे आप देख सकते हो, ओके, तो इसका जो अभी नाश्ता किया मैंने डोसा, इतना मस्त लगा ना मुझे सीरियसली। कभी आप ये रोड पे आओगे तो संगमेश्वर से शायद से अंदर की तरफ है, तो आप पक्का यहाँ पे रुकना क्योंकि जो इसका जो सांभर और चटनी ना मुझे बहुत सीरियसली बहुत अच्छा लगा था। तो अभी नाश्ता हो चुका है और अभी निकलते हैं आगे की तरफ, नहीं तो आगे जाने में लेट होएगा।
तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं, मतलब मैं आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे इतने टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था आने के लिए। लिटरली हर टाइम मैं प्लान बनाता था, हर टाइम कैंसिल हो जाता था। तो फाइनली आई एम एट माई डेस्टिनेशन गणपतिपुले। तो आगे पार्किंग के लिए देखते हैं कहाँ पे जगह मिल पाता है या नहीं, और फिर बाइक पार्क करके दर्शन के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ गणपति पुले, और जिसके लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रहा था। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि जब से बारिश हुआ था, जब से मेरा लद्दाख राइड हुआ था, उसके बाद से मैं लिटरली तड़प रहा था यहाँ पे आने के लिए। और फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो आप सामने देख सकते हो कुछ ही मिनटों के दूरी पे दर्शन है, तो पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर बाद में घूमने निकलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा है कि पार्किंग का जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पार्किंग मतलब बाइक्स नीचे तक लेके आ सकते हो मंदिर तक, और अगर आपके पास कुछ सामान है तो यहाँ पे लॉकर सिस्टम भी है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ पर आर है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने अपना सामान सब जैकेट और हेलमेट लॉकर में रख दिया है, और ओटी भर के निकलते दर्शन के लिए। तो ये अभी ओटी ले ली है और आप लाइन देख सकते हो। ये सामने गणपति पुले का मंदिर है, और आज फाइनली मेरा जो इच्छा था इतने टाइम से वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आपका दर्शन होने के बाद आप यहाँ पे बीच पे आके आराम कर सकते हो। बीच एक्टिविटीज़ है वो आप कर सकते हो, जैसे कि बनाना राइड हो गया, या तो जेट स्कीइंग हो गया, या तो अदर एक्टिविटीज़ आप ये कर सकते हो। और यहाँ पे कैमल राइड भी है सामने, और ATV बाइक राइड भी आप कर सकते हो, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले थोड़ा बीच का वाइब्स एंजॉय करो, और फिर ये ATV राइड कंप्लीट करके फिर घर पे निकलते हैं। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ना एक्चुअली एक मराठी मूवी है नवरा माझा नवसाचा, उसका यहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो जैसे सचिन जी वहाँ से भाग के आए थे और सीधा मंदिर में घुस गए थे, वो यही सीन है, यहाँ पे उसका शूटिंग हुआ था। और तो गाइस अभी जैसे आपने देखा कि हमारा दर्शन हो चुका है, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम लोग इसके बाद आरेवारे बीच जाएंगे देखने, हम लोग घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मेरा प्लानिंग चेंज हो गया, आरेवारे बीच नहीं जा रहे हम लोग, यहाँ पे ही आगे ना ऑन द वे मुझे वो जो सीन एक्सपीरियंस करना था कि साइड में रोड और बाजू में ओशन, तो वो देखने के लिए हम लोग आगे जाने वाले हैं। और वो जैसे मिल जाएगा, अभी पता नहीं कितने दूरी पर, तो जैसे मिल जाएगा वापस हम लोग रिटर्न आएंगे, खाना खाएंगे और घर की तरफ निकलेंगे। तो चलो देखते हैं वो कितने दूरी पे है, और फिर आपसे मिलते हैं और दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। ओ हो हो, आप देख सकते हो बाजू में, और ये रोड और ये सामने ओशियन समुद्र, और क्या मैं बताऊँ आपको, एकदम दिल गार्डन हो गया देख के। वो देखिए, और क्या ही चाहिए लाइफ में। कोकन इज इक्वल टू स्वर्ग। मुझे लगता है मैं यहाँ पे रुकता हूँ, थोड़ा बहुत फोटोज वीडियोज निकालता हूँ, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है।
और फोटोज वीडियोज निकालते हैं, खाना खाते हैं और सीधा घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, तो मैं नाश्ता करने के लिए रुकने वाला था, लेकिन ये जो रोड पता नहीं मैप मुझे कहाँ पे लेके आया है, ये रोड पूरा सुनसान है। इधर कोई आपको गैरेज वाला नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे तो गैरेज वाला नहीं दिख रहा है, या तो पेट्रोल पम्प कुछ नहीं दिख रहा है, और वो भी जो रोड से देखो ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, तो बार बार मैप देख के मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी देख लेता हूँ, तो मुझे लगता है ना मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये रोड से मुझे बाहर हाईवे पे निकलने तक एटलीस्ट नाश्ता तो मुझे भूल जाना चाहिए। तो मैप देख लेता हूँ, ये देखा ऐसा मैप देखना पड़ रहा है हर इस पे टर्निंग पे। अगर मैं अभी आगे निकल जाता तो पता नहीं कहाँ निकलता, तो मुझे जो पीछे वाला जो टर्न गया तो वो लेना पड़ेगा। तो ये रोड पूरा क्लियर करता हूँ और फिर हाईवे पे निकलने के बाद फिर नाश्ता करता हूँ। तो गाइस आज का वीडियो मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, और आज का जो मुझे ये जो राइड था 170 किलोमीटर्स और वापस 170 किलोमीटर्स 340 किलोमीटर्स का, तो मुझे इतना मज़ा आया ना आपको मैं क्या ही बताऊँ अभी। और जो सरप्राइज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो सरप्राइज़ ये है कि जो सब्सक्राइबर ने लास्ट तक वीडियो देख के फर्स्ट कमेंट जिसने भी किया, वो भले कुछ भी हो, जो फर्स्ट कमेंट रहेगा ना कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ कि बताता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, तो जो ये कमेंट पहला करेगा ना, तो उसको मैं मेरे तरफ से जब भी वो सब्सक्राइबर बोलेगा तो उसको मैं घुमाने लेके जाऊँगा, और जहाँ पे भी वो बोलेगा पूरे दिन का ट्रिप स्पॉन्सर मेरे तरफ से। तो चलो देखते हैं वो लकी विनर कौन रहता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा ना, तो प्लीज़ गाइज आपका सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो का आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे, और हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे तो ऐसा वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को और मज़ा आएगा। तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय बाय, फिर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।